उधर जयपुर के दिव्यांग एथलीट मुकेश कुमार जैन ने नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रेस्ट स्ट्रोक कैटेगरी में तीसरे स्थान पर सफलता हासिल की और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। संवाददाता ध्वज आर्य ने एथलीट मुकेश कुमार जैन से बातचीत की, देखिए एक रिपोर्ट। एक बार फिर से राजधानी जयपुर और पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। राजधानी जयपुर के मुकेश कुमार जैन जो कि एथलीट हैं, स्विमर हैं, और ये मेरे साथ हैं मुकेश जी, और नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 50 मीटर की जो ब्रेस्ट स्ट्रोक में इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, एक अच्छा आपको अवार्ड मिला है, किस तरीके से देखते हैं, कितनी खुशी आपके अंदर महसूस हो रही है? इसको बता नहीं सकता हूँ मैं अंदर से, मेरा पहला चांस में ही मेरे को मेडल मिल गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे जो गुरु है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इसके लिए क्या खास तैयारियाँ की आपने कि आपको तीसरा स्थान मिले? मेरे गुरुजी ने बहुत ही मतलब प्रैक्टिस में पूरा जोर दिया है, और इसको मतलब उन्होंने पूरा जोर दिया कि मेडल लगना ही चाहिए, और मेडल लगाया है, मैंने पूरा प्रयास किया है। एक सबसे बड़ी बात कि ऑल ओवर इंडिया से एथलीट आए थे, क्या आपको कुछ कॉम्प्लेक्स फील हुआ कि मैं जयपुर से हूँ, तैयारी कम है, क्या उसके लिए कितना कॉन्फिडेंस आपने डेवलप किया था? बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करके गए थे, राजस्थान का नाम पूरा करना था, और मेरा भी खुद भी पर्सनल मेरा नाम हो रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई है, राजस्थान राज्य का पूरा नाम हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। क्या और भी आप चाहते हैं कि राजस्थान से और लोग निकलें, और दिव्यांग निकलें, और राजधानी जयपुर से निकलें, अपने प्रदेश का मान बढ़ाएं? हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि बहुत ही आगे बढ़े राजस्थान का नाम, आगे बहुत ही आगे बढ़े, और मैं भी कोशिश करूँ कि आगे मैं गोल्ड प्राप्त करूँ। मेरे भाई और भी दूसरे गए हैं, उनका भी मैं ये भविष्य की कामना करता हूँ कि उनको भी गोल्ड मेडल मिले और आगे प्रगति करें। क्या इंटरनेशनल लेवल पे जाने का सोचा, उसके लिए क्या खास तैयारी की? अब चल रही है सर, अभी कोरोना चल रहा है, अभी तैयारी नहीं हो पा रही है, लेकिन भविष्य में इंटरनेशनल खेल का पूरा चांस रहेगा। राजस्थान में कोविड का पूरी तरीके से प्रकोप है, लेकिन एथलीट पूरी तरीके से तैयार हैं, और जिस तरीके से तैयारियां इनकी तरफ से की जा रही है, राजस्थान का मान बढ़ाया है, राजधानी जयपुर का मान बढ़ाया मुकेश कुमार जैन ने, और तीसरा स्थान इन्होंने जो है प्राप्त किया है नेशनल स्विमिंग का जो कंपटीशन था, भारत के कई जो खिलाड़ी हैं उसके अंदर पूरे भारत से आए थे, लेकिन राजधानी जयपुर से जो मुकेश कुमार जैन है तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ये खुशी की बात है इनका। और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि इनका जो अगला टारगेट है इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है, ताकि राजधानी जयपुर का ये और ज़्यादा राजधानी जयपुर के साथ साथ में पूरे प्रदेश का मान बढ़ा सकें। सहयोगी नरेंद्र सिंह के साथ ध्वज इंडिया न्यूज़ जयपुर। एक